अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की एक लेटेस्ट और ज़रूरी अपडेट जो एक नए नियम को लेकर है। सऊदी में अगर आप रहते हो तो आप कोई भी ऐसी गलती ना करें, मतलब अवैध रूप से कोई भी चंदा इकट्ठा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि 25 नागरिक को अभी गिरफ्तार किया गया है जिसमें 6 विदेशी भी शामिल थे। मतलब अगर आप कोई भी परमिशन नहीं लेते हो और चंदा इकट्ठा करते हो तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट कुछ सख्त कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें बिना संगठन के अनुमति के बगैर। तो अगली अपडेट सऊदी अरब के नए वीजा को लेकर है। अगर आप एक सऊदी का नया वीजा लेते हो तो मंत्रालय की तरफ से वीजा रद्द और शुल्क वापस करने को लेकर 2 नई शर्तों को लेकर अपडेट दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि अगर आप अपना शुल्क वापस लेना चाहते हो तो ये ध्यान रखें कि आपका जो वीजा है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो जरूरी है वो वीजा का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 जरूरी शर्त हैं। इसके साथ अगर आप वीजा निकालते हो तो पहले पेमेंट ना करें, जब आपका सारा कार्य हो जाए, मतलब आप अपना जो वीजा है वो भेज दें और सारा कार्य होने के बाद में फिर उसका पेमेंट करें, ताकि आपका पैसा किसी भी जगह ना फंसे। दोस्तों आगे ये कहा गया है कि अगर आपका वीजा समाप्त हो जाता है, दूतावास के कर्मचारी द्वारा आपके पासपोर्ट पर वीजा की मोहर लग जाती है, तो आपका जो शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ उसका विस्तार करना भी संभव नहीं, मतलब 1 साल के लिए वीजा जो है वो वैध होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वीजा है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह अपडेट अभी दिया गया है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो यह जरूर ध्यान रखें वीजा को लेकर जो नई अपडेट है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।